हेलो फ्रेंड्स, विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है नंबर 9 के ऊपर है। नंबर 9 मतलब कि मल्टीप्लिकेशन विद 9, या वो इनफाइनाइट टाइम्स तक हो चाहे एक हो, डिजिट हो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार रिविज़न कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों का इसमें कन्फ्यूज़न आ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जो इसके तीन टाइप थे, आज मैं तीनों के तीनों टाइप्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिसकी हम गुना जो है लेस देन इन 5 सेकंड्स में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा बहुत इसके पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ इसके अंदर होनी आपको समझने की आवश्यकता है। तो इसमें पहले देखते हैं कि व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, मतलब कि जब दो संख्याओं को हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। एनी वन ऑफ देम इज, मतलब कि किसी भी एक को उसमें हम क्या मानते हैं, मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट को बोलते हैं गुना, मतलब कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड। और दूसरे को जो हम मानते हैं क्या, मल्टीप्लायर, यानी कि जिसे बोलते हैं गुणक, गुना करने वाला, नंबर विद विच वी मल्टीप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लायर जो हमें मानना है वो मानना है 9 को, मल्टीप्लिकेंट मानना है जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सपोज 24 इंटू 9 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें जो मल्टीप्लायर होगा वो 9 होगा, मल्टीप्लिकेंट होगा वो होगा हमारा 24। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और याद रखनी है इसमें, इसको हम मानेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इसको मानेंगे RHS। ठीक है फ्रेंड्स, इसके टाइप्स हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेंट डिजिट जब इक्वल हो किसके, मल्टीप्लायर डिजिट्स के, यानी कि जैसे इसमें 24, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ पर भी हमारे क्या है, 2 डिजिट है, सेम एज इट इज़। एग्जांपल जैसे हम करते हैं 8 × 9, यानी कि 1 डिजिट 1 डिजिट, तो मल्टीप्लिकेंट डिजिट और मल्टीप्लायर डिजिट हमारे इक्वल हों। और सेकेंड जो है इसकी टाइप है, वह है मल्टीप्लिकेंट डिजिट्स आर स्मॉलर देन मल्टीप्लायर डिजिट्स, यानी कि अब सपोज कीजिए हमें 8 × 99 करना है, तो ये मल्टीप्लायर जो डिजिट हैं वो क्या है, ग्रेटर हैं किससे, मल्टीप्लिकेंट डिजिट से, यानी कि एक है और ये 2 डिजिट्स हैं 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड टाइप जो है इसकी, मल्टीप्लिकेंट डिजिट्स हमारे ग्रेटर हों किससे, मल्टीप्लायर डिजिट से, तो मल्टीप्लायर डिजिट्स मान लीजिए 9 है, और मल्टीप्लिकेंट डिजिट कितने होंगे फिर, जैसे 3 8 9, भाई यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, 2 डिजिट, तो ये ग्रेटर देन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट टाइप। ये मैं फर्स्ट टाइप पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं वो वीडियो आपको डिलीट कर दूंगा और यही हमारी मेन वीडियो चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लिकेंट डिजिट इक्वल्स टू किसके होगा, मल्टीप्लायर डिजिट्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 24 × 99, तो यही एग्जांपल लेते हैं हम, या पहले आप ले लीजिए 8 × 9, हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बस इसका सिंपल सा मेथड है, इसको हमने क्या माना था, LHS, और इसको क्या माना था, RHS। तो इसका जो स्टेप वाइज है वो करना होता है कि भाई जो हमारा LHS है, ये LHS है, इसमें से आपको -1 एक घटा देना है, यानी कि एक सब्ट्रैक्ट कर देना, तो कितना बचेगा, ये हमारा 7, और 7 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख लीजिए। और जो ये 7 आता है, ये RHS में आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा हमारा 2, और 2 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देना है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आंसर 72 हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब सपोज़ कीजिए हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 24 की 99 में, भाई दोनों बराबर हैं, यानी कि फर्स्ट टाइप का सवाल है, तो क्या क्या करना होगा, इसमें से हमने क्या करना होगा, -1, तो -1 करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 23। अब 23 को 99 में से माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमारा, 6 और 7, तो 23 और 7 6, ये हमारा क्या होगा आंसर, भाई 23 7 6, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी 3 डिजिट, यानी कि मल्टीप्लिकेंट बराबर हमारे किसके हैं, मल्टीप्लायर्स के, तो करना क्या होगा, यहाँ से माइनस करेंगे LHS में से, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 388,
ठीक है फ्रेंड्स। और ये 388 जो है हम इसको माइनस करना है किसमें से, 99 में से। तो जब 388 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो आंसर कितना होगा हमारा, 611। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा हमारा 388611। अब फोर्थ एग्जांपल लेते हैं एक और हम। तो फोर्थ एग्जांपल है जैसे हमारा 942678 की मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, 999999 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी 6 डिजिट है और यहाँ पर भी 6 डिजिट है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेंट डिजिट बराबर किसके हमारे, मल्टीप्लाई डिजिट्स के। तो टाइप हमारा फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। और दोस्तों ये केवल जो मेथड है ये केवल 99 के लिए ही अवेलेबल है, किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, LHS में से क्या करना होगा, -1। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7, यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। और जो ये आया हमारा, ये रिजल्ट जो निकल कर आया घटा करके, वो उसमें हमें क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन सभी को एक जगह मिला करके लिख देना है। तो 942677057322 ये हमारा होगा आंसर। ठीक है भैया, ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड टाइप जो है इसकी हमारी है, जब मल्टीप्लिकेंट डिजिट्स हमारे कम हो किससे, मल्टीप्लायर डिजिट से। तो यानी कि तब हमें क्या करना होगा, जैसे कि एग्जांपल है भाई, हमें 666 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 999 में। आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेंट डिजिट हमारे ये माने थे हमने और मल्टीप्लायर्स हमारा 9 था। तो यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है। दोस्तों इसमें करना क्या होता है, जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर इसको 66 के आगे हम 0 मान लेंगे केवल, और ये हमारा 999, तो हमारा इक्वल हो चुका है। अब हमें करना क्या है, अब हमें वही मेथड करना है जो हमें फर्स्ट टाइप में किया था, यानी कि यहाँ से क्या करना होगा, -1। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 65, एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। 65 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा हमारा, 4, 3 और 9। तो आंसर क्या होगा हमारा, 65934। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा होगा आंसर। हम सपोज कीजिए हमें करना है 67 की मल्टीप्लाई 999 में। भैया आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेंट डिजिट हमारे क्या हैं, कम है मल्टीप्लायर डिजिट से। तो इसके आगे हम 0 लिख लेंगे, यानी कि 067999। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ से -1 करते हैं, तो -1 करेंगे तो कितना आएगा, 66। अब ये जो रिजल्ट मिला सब माइनस करके, उसको हमें क्या करना है, इस 99 में से माइनस कर देना है। तो क्या होगा, 3, 3 और 9। तो आंसर जो होगा हमारा होगा 66933। ठीक है भैया, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। ये एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है इस टाइप का, टाइप टू का। अब देख सकते हैं मल्टीप्लिकेंट डिजिट हमारे कम है, मल्टीप्लाई डिजिट हमारे ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ये किस तरीके का क्वेश्चन हुआ, टाइप सेकंड का। टाइप सेकंड का आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी हैं, जैसे ये हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 3 है। तो करना क्या है, केवल इसमें से आप -1 कीजिए। -1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 644। और ये जो 644 है ये इसमें से आपको माइनस कर देना है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5, यहाँ पर क्या होगा, 5, यहाँ पर क्या होगा, 3 और ये 9, 9, 9 और 9। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा क्या, 644999355। ये हमारा आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, तो हम अब चलते हैं दोस्तों थर्ड टाइप पर, जो कि लास्ट टाइप है, जिसमें मल्टीप्लिकेंट डिजिट्स जो है हमारे ग्रेटर देन होंगे मल्टीप्लायर्स से। यानी कि समझ लीजिए आप, जैसे ये 8 है और
ये 8 है तो इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 9 में। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेंट डिजिट जो है वो हमारे क्या हैं, ग्रेटर हैं मल्टीप्लायर से। तो इसमें करने का क्या है, इसमें दोस्तों 3 स्टेप्स हैं। अब 3 स्टेप्स हैं यानी कि मल्टीप्लिकेंट जो है हमारा, ये 378 हमारा मल्टीप्लिकेंट है, इसको दो पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। अब दो पार्ट्स में डिवाइड करना है यानी कि इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई बाई 99 यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। और जो मल्टीप्लायर्स हैं और मल्टीप्लिकेंट की हैं इनकी जो संख्या है स्प्लिट करके हमें इक्वल करनी है, जैसे 78 और 99, ये हमारे क्या हो गए, अब डिजिट्स इक्वल हो चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना होगा, ये जो हमने पार्ट स्प्लिट किया है 3, इसमें हमें क्या करना होगा, 1+ करना होगा, 1 ऐड करना होगा, तो यानी कि 4 हमें मिल चुका है। 1 ऐड करने का यानी कि इससे एक आगे की संख्या ऐड करनी है, जैसे यहाँ पर 4 होता तो 4 में हम 1 ऐड कर देते, हमारा क्या मिल जाता, 5, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो ऐड किया गया है ये हमें 78 में से, ये जो 78 है इसमें से माइनस कर देना है। जब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 74। अब ये जो 74 है, अब ये जो हमारा 74 आ चुका है, ये इस 3 के आगे हमें लिख देना है यानी कि 374। एक हमें पार्ट मिल चुका है मल्टीप्लिकेशन का। अब हमें करना क्या है, अब ये जो है 78 इसमें से हमें एक माइनस करना है, 1 माइनस करना है, दूसरा स्टेप जो है। तो जब हमें इसमें से -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 77। अब इस 77 को 99 में से माइनस कर देना है तो कितना मिलेगा हमें, 22, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 22 आया, ये हमारा लास्ट सेशन यानी कि आंसर हमारा क्या हुआ, 374 22, ठीक है भाई। अब हम इस क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, 88 × 9, हमें क्या करना है, 88 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 9 में। तो इस मल्टीप्लिकेंट डिजिट हमारे वो ग्रेटर हैं किससे, मल्टीप्लायर से। तो इसको हमें मल्टीप्लिकेंट जो हैं उनको स्प्लिट करना होगा दो भाग में, यानी कि यानी हमने अब कर लिया इसको स्प्लिट, जिससे कि हमारे मल्टीप्लायर्स और मल्टीप्लिकेंट इक्वल आ जाएं डिजिट के मामले में। तो यहाँ पर इस ये जो 8 है जो हमने स्प्लिट किया है, इसमें एक जोड़ देंगे यानी कि क्या होगा, 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना था कि भाई 88 में हमें 9 की मल्टीप्लाई करनी थी, तो इसको पहले दो भाग में हमने डिवाइड कर लिया। तो ये यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, LHS में 1 जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, 9। अब ये जो 9 मिला है ये हमें 88 में से माइनस करना है, जैसे 88 में से हमें क्या करना है, 9 को माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये हमारा 79, और जो ये जो रिजल्ट आता है 79, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 79 हमारा रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। और सेकंड स्टेप हमें क्या करना था कि भाई ये जो मल्टीप्लाई और बराबर हैं इनमें से हमें क्या करना था, -1 करके हमारा कितना मिला है, यहाँ पर 7 मिला, और 7 को हमें किस में से माइनस करना है, 9 में से। तो 7 को जब 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, और 2 को यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा हमारा, 792, ठीक है फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इसी टाइप पर, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमारा है 42 4276 × 999 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेंट डिजिट हमारे क्या है, ज़्यादा है मल्टीप्लायर से। तो इसको इस भाग को हमें क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा दो पार्ट्स में, जिससे कि हमारे मल्टीप्लिकेंट डिजिट और मल्टीप्लायर्स बराबर मिल जाए। तो स्प्लिट करेंगे ये तो 276 × 999, इसमें क्या करना होगा, हमें एक जोड़ देना होगा, एक ऐड करके हमें क्या मिलेगा, 5, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो 5 मिला ये हमें किस में से माइनस करना होगा, 4276 में से, भाई 4276 में से जब हम माइनस 5 करेंगे, 4276, तो इसमें से हम माइनस 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल गया। तो एक पार्ट का हमारा आंसर मतलब कि आ चुका है। अब इससे नेक्स्ट
स्टेप टू में हमें करना होगा 276 में से हमें क्या करना होगा माइनस वन, तो कितना होगा हमारा 275। और ये जो 275 आया ये इसमें से हमें माइनस करना होगा 999 में से। जब इसमें से माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 724, तो यहाँ पर इसको राइट हैंड साइड पर हमारा क्या होगा 724। तो आंसर जो होगा वो होगा हमारा 4271724, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक इसी टाइप पर हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन है हमारा 3274 की मल्टीप्लाई किसमें करना है 99 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि भाई इसको दो भाग में डिवाइड कर लिया जा, जैसे ये मल्टीप्लाई और मल्टीप्लिकेंड हमें इक्वल करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है भाई, इसमें एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ कर हमें कितना मिलेगा 33, और जो 33 मिला ये इसको हमें माइनस करना है किस में से, 3274 में से, जो ओरिजिनल संख्या थी हमारी। तो हमारा कितना मिलेगा फिर, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 3241, ये हमें मिला। तो हमें एक आंसर हमें मिल चुका है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें से करना क्या होगा, यहाँ पर माइनस वन, माइनस वन करेंगे तो कितना मिलेगा 73, 799 में से 73 हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा 26, तो 26 यहाँ पर लिख लिया हमने, तो 3241 26 हमारा क्या हुआ आंसर। ठीक फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करेंगे हम। अब जैसे हमारा है 7428 × 99, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा कैसा क्वेश्चन है और थर्ड टाइप का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर 74 है, तो यहाँ पर प्लस वन करेंगे तो कितना बनेगा ये हमारा 75। अब 75 है, इसको ओरिजिनल जो संख्या थी हमारी इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर मिलेगा 5, और यहाँ पर मिलेगा 3, और यहाँ पर 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक राइट लेफ्ट हैंड साइड का हमें आंसर मिल चुका है। अब हमें क्या करना होगा, ये भाई 28 है, इसमें से माइनस करेंगे 1, माइनस 1 करने पर कितना होगा 27, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना होगा 72, तो इसको राइट हैंड साइड पर लिख लेंगे, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा 735372, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।